हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर पेपर थर्ड, जिसका नाम है एनिमल फिजियोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए बिना देर किए हुए आज का जो हमारा टॉपिक है हम उसको स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो तो उसको एक बार कमेंट जरूर करें, जिससे उससे रिलेटेड मैं आपके वीडियोज़ अपलोड कर सकूँ। तो फर्स्ट आपका यूनिट है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो टोटल आपको समझ लीजिए 4 यूनिट्स पढ़ना है। 4 यूनिट्स में जो यूनिट नंबर फर्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम के जो 7 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मेक अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का फुल डिटेल में आपको डाइग्राम बनाना रहेगा। सेकेंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द मेजर पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इन ह्यूमंस। ह्यूमन की अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो आप समझ ही गए होंगे कि पूरे कैनाल को हम लोग को स्टडी करना है। ओके, ये एग्जामिनेशन के लिए आपके बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो आप पूरा एलिमेंट्री कैनाल को अच्छे से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंड अदर ग्लैंड्स। अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ रहे हैं तो डाइजेस्टिव ग्लैंड भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर एलिमेंट्री कैनाल आपको एग्जामिनेशन में पढ़ने के लिए। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को भी पढ़ना है आपको। डाइजेस्टिव ग्लैंड में आपका जो मेन पॉइंट है उसको आपको नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं, एग्जामिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लीवर एंड पेनक्रियाज। ये भी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, लीवर और पेनक्रियाज का फंक्शन और स्ट्रक्चर। तो आप लोग पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम तैयार कर लीजिए। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम से एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया तो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जितना कुछ भी आता है सब लिखना होगा, क्योंकि वो क्वेश्चंस उस क्वेश्चन में आपको बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है। तो नेक्स्ट है आपका, डिस्कस द फंक्शन ऑफ सलाइवा। सलाइवा के फंक्शन को डिस्कस करिए। ये तो ज़्यादातर आपका वेरी शॉर्ट में आता है, कभी कभी लॉन्ग में तो कभी पूछा ही नहीं जाता। शॉर्ट और वेरी शॉर्ट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 की और आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है आपका, एक्सप्लेन द प्रोसेस एंड कंट्रोल ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन। आपको एक्सप्लेन करना है प्रोसेस को कि ह्यूमन के अंदर फूड का डाइजेशन किस प्रकार होता है, इसकी प्रोसेस और इसको कैसे कंट्रोल करते हैं। ओके, सेकंड है आपका, नेक्स्ट है आपका, डिस्कस एंड मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड एग्जामिनेशन द नेचुरल एंड हार्मोनियल कंट्रोल ऑफ डाइजेशन। लास्ट है आपका, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन और ऑफ डाइजेस्ट फूड कंपोनेंट्स इन ह्यूमन बॉडी। आपको ये लिखना है कि ह्यूमन बॉडी में फूड का अब्जॉर्प्शन कैसे होता है। लास्ट है आपका, डिस्कस द वेरियस डाइजेस्टिव सिस्टम को आपको पूरा अच्छे से डिस्कस करना है। लास्ट है आपका, डिस्क्राइब द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट एंड लिपिड। आपको प्रोटीन फैट एंड लिपिड्स का डाइजेशन कैसा होता है हमारी एलिमेंट्री कैनाल में, इसको फुल डिटेल में डिस्कस करना है। तो ये तो बात हुई डाइजेस्टिव सिस्टम की। अब इसके बाद मैं बात करूँ तो डाइजेस्टिव सिस्टम का मैं डिस्क्रिप्शन में इसका वीडियो मैंने अपलोड किया है, मैं उसका लिंक दे दूंगी। आप लोग वहां जाके डाइजेस्टिव सिस्टम को फुल डिटेल में देख सकते हैं। फुल डिटेल में मैंने एक एक टॉपिक आपको क्लियर कराया है। तो बस मैं यहां आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो डाइजेस्टिव सिस्टम के आगे रिस्पायरेटरी सिस्टम है इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी। और मैंने पहले से भी सारे वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। कुछ भी पूछना है तो आप लोग कमेंट करें, किस यूनिवर्सिटी से आप बिलोंग कर रहे हैं ये आप ज़रूर कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।